D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. हवाई अड्डे पर जाना किसी सुपरमार्केट में जाने जैसा था। बस $20 देकर उड़ान भरिए। और कूपर ने भी यही किया। The hijacker carrying a briefcase which held explosives. उसने $2,00,000 और 4 पैराशूट मांगे। जब उसकी मांगे पूरी हुई तो वो रात के अंधेरे में विमान से कूद गया। इससे धमाकेदार बात क्या होगी? लोगों के लिए तो वो जैसे एक भगवान ही था। उसे एक तरह का एंटी हीरो, कानून का भगोड़ा इंसान मानते हैं। ये केस आपसे सवाल करता है कि आप कौन हैं, क्या सोचते हैं, किस पर यकीन करना चाहते हैं और असल में हुआ क्या था। जो लोग लैपटॉप पर देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो खुद जांच कर रहे हैं। और इस केस में हाल ही में सबसे अच्छा काम नागरिक जासूसों ने किया है। मेरी टीम को यकीन है कि डीबी कूपर मिल गया है। आप सोच नहीं सकते ये कितना अजीब था। इस कहानी के हर हिस्से पर बहस हो सकती है। जो आपको लगता है कि सच है, हो सकता है कि वो सच हो ही नहीं। ये केस FBI की सबसे दिलचस्प केसों में से एक था जिसमें मैंने हिस्सा लिया। ये आज भी दिलचस्प है। हर बार नए संदिग्ध मिलते हैं लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। हकीकत पर ध्यान रखना। ये केस हमारे जमीन पर ही सवाल उठाता है। अगर तुम बेकसूर थे तो तुम भागे क्यों? 100 से भी ज्यादा सबूत मिले हैं। अगर खजाना बड़ा है तो कहानी भी बड़ी होगी। कूपर मर चुका है। मैं जानता था कि वो कौन है। कूपर के जाल में आप फंस जाते हैं।